एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई 2022 इलेक्टिव पेपर हाईटेक हॉर्टिकल्चर। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आने वाली तुरंत आपको प्राप्त हो सके। इसके डिस्क्रिप्शन में सॉल्व पेपर की लिंक बायो में पड़ी है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर एक, एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की स्थिति को ठीक निर्धारित करने के लिए न्यूनतम उपग्रहों की आवश्यकता होती है, तो चार। ऑप्शन नंबर एक का भी सही है, चार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संदूर संवेदन प्रणाली केवल एक सूचांक नियोजित करती है, तो वह स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर दो का भी करेक्ट है, स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीआईएस में रेखापुंज परत वह है जो कि जानकारी देती है चयनित स्थानों के रंगों की। ऑप्शन नंबर तीन का सी सही है, चयनित स्थानों के रंगों की। क्वेश्चन नंबर चार, एक जीपीएस युक्त कंबाइन हार्वेस्टर एकत्र करता है, तो वह स्थलाकृत विशेषता एवं फसल उत्पादन दोनों। क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिशुद्ध खेती को किस रूप में जाना जाता है, तो उसे सैटेलाइट फार्मिंग या सैटेलाइट खेती के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच का बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिवर्तनीय दर उर्वरक का तकनीकी का मुख्य लाभ है, तो वह उर्वरक एवं रसायनों की बचत, संभावित उपज वृद्धि, वातावरण सुरक्षा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर छः का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिशुद्ध खेती है तो वह कृषि प्रबंधन पद्धति आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं का उपयोग, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सात का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्फेगनम मास है तो वह सैलोद भिद है। ऑप्शन नंबर आठ का ए सही है, सैलोद भिद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य प्रथम ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ, तो वह सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर नौ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैविक नत्रजन स्थिरीकरण में सहायक है, तो लोहा व मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर 10 का डी सही है, लोहा व मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 11, सहजीवी संबंध किस तत्व के अवशोषण से सहायक है, तो वह फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 11 का बी सही है, फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है, तो वह यूरिया, कार्बनिक उर्वरक है यूरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रोपण पद्धति है, तो समोच्च रेखा पद्धति। ऑप्शन नंबर 13 का डी सही है, समोच्च रेखा पद्धति। रूटेक्स हार्मोन में क्या होता है, तो वह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 14 का ए करेक्ट है, ऑक्सीजन। मृदा में अगतिशील तत्व है, तो वह जस्ता। ऑप्शन नंबर 15 का सी सही है, जस्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊतक संवर्धन के जनक हैं, तो वह हेवरलैंड जनक हैं। 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हेवरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असंगठित सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं का द्रव्यमान संवर्धन में बनाए रखना कहलाता है, तो वह कैलस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का बढ़ना कहलाता है, तो वह पादप ऊतक संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है, पादप ऊतक संवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप ऊतक संवर्धन माध्यम का अनुकूलतम पीएच होना चाहिए या मान होता है, तो वह 5.5 पीएच होता है। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, 5.5। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो वह पॉलीफिनॉल वृद्धि हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायरस मुक्त पौधों के उत्पादन के लिए
ऊतक संवर्धन तकनीकी है तो मेरी स्टेम कल्चर ऑप्शन नंबर 21 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप ऊतक संवर्धन माध्यम में प्रयुक्त ठोस घटक है तो वह अगार है। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अगार। क्वेश्चन नंबर 23, शीर्ष प्रमुखता के लिए उत्तरदायी पादप वृद्धि नियामक है तो वह ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 23 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी विभेदित कोशिकाओं को विभाजित करने और उत्पन्न करने के लिए एकल कोशिका की क्षमता कहलाती है तो वह पूर्व सक्तता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है तो वह तंबाकू है। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में किस संवर्धन तकनीकी द्वारा आगुणित पौधे प्राप्त होते हैं तो वह पराग कोष संवर्धन। 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूक्ष्म सिंचाई को यह भी कहा जाता है तो स्थानीयकृत सिंचाई विधि कहा जाता है। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल मृदा में मुख्यतः उपलब्ध होता तो वह केशिका जल के रूप में उपलब्ध होता है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंचाई की किस विधि में भूमि का समतलीकरण आवश्यक नहीं है तो अब बौछारी सिंचाई विधि। ऑप्शन नंबर 29 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में टपक सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाली फसलें हैं तो फलोद्यान फसलें हैं। ऑप्शन नंबर 30 का बी सही है, फलोद्यान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टपक सिंचाई विकसित है तो वह इजराइल में विकसित है। ऑप्शन नंबर 31 का डी सही, इजराइल में विकसित है टपक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल में घुलनशील उर्वरकों को टपक सिंचाई की विधि द्वारा उपयोग करना कहलाता है तो वह फर्टिगेशन कहलाता है। 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फर्टिगेशन। छायाग्रह का मुख्य उद्देश्य है पौध प्रवर्धन, पौध उत्पादन, पौध शक्तिकरण। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 33 का डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाली हाउस निर्माण की उपयुक्ततम दिशा है तो उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर होना चाहिए पाली हाउस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धुंध कच का उपयोग मुख्य रूप से प्रसारित करने में होता है तो मुलायम कष्ट कलम। ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसारण कक्ष में आर्द्रता मात्रा होती है तो अधिकतम आर्द्रता मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर 29 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शीत हरित ग्रह में रात्रि का अनुकूलतम ताप होता है तो वह 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 38, स्पेन टाइप ग्रीन हाउस की छत ढलान होते हैं तो 2 छत ढलान होती हैं। ऑप्शन नंबर 38 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च सघनता के लिए उपयुक्त आम की किस्म है तो वह आम्रपाली। ऑप्शन नंबर 39 का है, आम्रपाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि अवरोधक नहीं है तो IBA वृद्धि अवरोधक नहीं है। ऑप्शन नंबर 48 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें जल उपयोग क्षमता 90% होती है। टपक सिंचाई विधि, उसमें 90% उपयोग क्षमता होती है। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं तो टेट्राजोलियम परीक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर 42 का ए करेक्ट है, टेट्राजोलियम परीक्षण द्वारा। पौध शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य प्रतिरोपण हानि को कम करना। ऑप्शन नंबर 43 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरित गृह का प्राथमिक उद्देश्य है तो वह गैर मौसमी फसलें प्राप्त करना। हरित गृह का प्राथमिक उद्देश्य है गैर मौसमी फसलों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों के पीले होने के कारण नत्रजन की कमी, अधिक सिंचाई, प्रकाश की कमी। 45 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, बीज थर्मोथेरेपी का उपयुक्त तापक्रम होता है तो 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर 46 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, पौध की एक क्यारी से दूसरी क्यारी में प्रतिरोपण करना कहलाता है तो वह उपरोपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी सही है। स्पेगनस मास का उपयोग वाली प्रसारण विधि में होता है तो वायुदाब या गुंटी होता है। ऑप्शन नंबर 48 का
ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोकोपीट का मुख्य उद्देश्य है, तो वह कोकोपीट का मुख्य उद्देश्य नारियल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 49 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल बीजावरण छंदन में बीज अम्ल का अनुपात होता है, तो वह 1:2 होता है। 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1:2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीजों को जल अवशोषित दशाओं में रखना कहलाता है, क्वेश्चन, तो वह नियंत्रित जलीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 51 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरी अविशीतन बीज उपचार आवश्यक है, तो वह शीतोष्ण फलों के बीजों के लिए। ऑप्शन नंबर 52 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, सिंचाई जल गुणवत्ता निर्धारण निर्भर करती है, तो वह कुल लवणों की मात्रा पर, सोडियम अवशोषण अनुपात पर, बोरान की मात्रा पर, तो वह उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर 53 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेर के व्यावसायिक प्रसारण की विधि है, तो वह छल्लाकरण कलिकायन विधि प्रसारण की विधि है, छल्लाकरण। ऑप्शन नंबर 54 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौध को अधिकतम फास्फोरस किस पीएच पर मान पर उपलब्ध होता है, तो वह 6 से 7 पीएच पर उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत चालकता मीटर मापता है, तो भूमि में घुलनशील लवण 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित रोपण पद्धतियों में प्रति हेक्टेयर अधिकतम पौधा रोपित होने वाली पद्धति है, तो वह तरण बागवानी पद्धति, 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तरण बागवानी पद्धति का उत्पत्ति स्थान है, तो वह इजराइल है। ऑप्शन नंबर 58 का सी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 61, फल वृक्ष को छत प्रबंधन का अधिकतम क्रियाकलाप है, तो काट छांट। ऑप्शन नंबर 61 का ए करेक्ट है, काट छांट। वलयीकरण एवं अधोधाती क्रिया प्रमुख रूप से अपनाई जाती है, तो आप फलन वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर 60 का बी सही है, फलन वृद्धि के लिए। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां से आप जुड़ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप से।